स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 26 जून, और 26 जून के हमारे जितने भी द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइरलिंग वायलेंस ऑन द वेस्ट बैंक। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, और इनसे रिलेटेड जितने भी वोकैब बनेंगे उन सबको वन बाय वन देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है स्पाइरलिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, चढ़ती बढ़ती, मीन्स कि सोइंग ए कंटिन्यूस एंड ड्रामेटिक इंक्रीज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ्रीज, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, रोक, सस्पेंशन, होल्ड, फिक्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेटलमेंट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, व्यवस्थापन। अ प्लेस टिपिकली वन विच हैज़ प्रीवियसली बीन अनहैबिटेड वेयर पीपल एस्टैब्लिश ए कम्युनिटी, जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे एक रिलीजन के लोग जाते हैं, एक कास्ट के लोग जाके एक एरिया को कवर कर लेते हैं, उनकी कम्युनिटी हो जाती है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिफेमेट्री, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, अपवादक या हानिकारक। लिबेलस, स्लैंडरस, डिफेमिंग, डिस्ग्रेसफुल, अप्रोबोरियस, डिफेमेट्री, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रैम्पेज, रैम्पेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, हंगामा या हिंसात्मक व्यवहार। हैवॉक, टर्मोइल, फ्रिंजी, अप्रोर, पैंडेमोनियम, अ पीरियड ऑफ वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेटलर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, बस्ती बसाने वाला। कॉलोनिस्ट, पायनियर, इनहैबिटेंट, ऑक्यूपेंट, कॉलोनाइजर, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विटनेस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, देखना, ऑब्जर्व करना, वॉच करना, सी करना, नोट, प्रिसीव, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एस्केलेशन, एस्केलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, तीव्रता। इंटेंसिफिकेशन, इंक्रीज, सर्ज, एम्पलीफिकेशन, ऑग्यूमेंटेशन, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेमिनिसेंट, और इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ है, और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, याद दिलाने वाला। इवोकेटिव, सजेस्टिव, रेमिनिसेंट, रिमाइंडिंग, रिकॉलिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्वोल्यूटेड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है इसका मतलब क्या होता है, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, सर्वव्याप, जो सब जगह प्रेजेंट रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट, एवरीवेयर, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मशरूम, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, तेजी से बढ़ना, प्रोलिफरेशन, बर्गियन, मल्टीप्लाई, बूम, एक्सपैंड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेजिस्टेंस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, अपोजिशन, डिफाइनेंस, डिसेंट, प्रोटेस्ट, कन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है कैजुअलिटी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, हताहत, विक्टिम, फैटलिटी, लॉस, सफरर, इंजर्ड, पार्टी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, योग्यता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है सुपरफ्लोलस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा अधिक, सरपल्स, रिडंडेंट, अननीडेड, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है कॉन्टिनजेंट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, आकस्मिक, चांस, एक्सीडेंटल, फोर्टिशियस, एब्रप्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्वाइट सम टाइम, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, काफ़ी समय, अ लॉन्ग पीरियड, कंसिडरेबल टाइम, लॉन्ग स्पैन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, कम होना, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश, ड्विंडल, फेड, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आइसोलेट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अलग करना, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, डिटैच करना, डिसकनेक्ट करना, कट ऑफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिटेलिएशन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, काउंटर अटैक, रिप्राइजल, रिट्रीब्यूशन, पे बैक, रिवेंज, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेन फायर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, आग की बौछार करना। टू इन्फ्लिक्ट ग्रेट सफरिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली विथ अ बॉम्बार्डमेंट ऑफ अ बॉम्ब्स और प्रोजेक्टाइल। तो ये क्या है, किसी बॉम्ब को गिराना या किसी बॉम्ब का प्रोजेक्टाइल करना। प्रोजेक्टाइल करना मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोजेक्ट करके उसको एक एम बना के उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में क्या करना, बॉम्बार्डमेंट करना। तो वो क्या होता है, रेन फायर करना। नेक्स्ट वर्ड है वो है डेमोलिश। डेमोलिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय करना, रिक करना, रुइन, डिवास्टेट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इम्प्यूनिटी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, दंड मुक्ति, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, एक्सपोलेशन फ्रॉम इम्यूनिटी, इंडेमनिटी, फ्रीडम। तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ट्रूप। ट्रूप पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक क्या है, नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, सेना, सोल्जर्स, मिलिट्री, फोर्स, आर्मी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्लॉक्ड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, नाकाबंदी करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बैरिकेड करना, रिस्ट्रिक्ट, इनहिबिट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है मैजेस्टिक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, प्रभावशाली या आलिशान, एक्सॉल्टेड, इम्प्रेसिव, इन्फ्लुएंशियल, इफेक्टिव, पावरफुल, इफिशियस, इम्पोजिंग, ऑगस्ट, ग्रेट। तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स, सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।